बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे वेखण वालों भैनों भाइयो पुत्रो पोतरियो दोतरियो अस्सलाम वालेकुम। अज मैं थोड़ा स्ट्रॉबेरी की गल इस वास्ते कर लगा कि रोजा का महीना है तो इनका बहुत ज़्यादा फायदे ने। हाई ब्लड प्रेशर, दिल दिया बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, जिले नाजुकपन, खारिश होना, पित्ती निकलना, इस तो हट के कैंसर तमाम किस्म कुफ्ते मुताबक का निजाम बनाता है। इस तो हट के नज़र की कमजोरी, नज़र को तेज करता, हमला औरतों की फायदेमंद, लिवर जिगर दिमाग की ताकत के वास्ते बेहतरीन है। शुगर के मरीज का लैवल ठीक रखने वास्ते, जोड़ा या दर्द वास्ते फायदेमंद है। कब्ज़ भी फायदा करता। अगर तुसी जिहड़े बंदे कहते रहे मेरे सिगरटां पीण नाल या वैसे या जिहड़ियां औरतां भी उन्होंने होंठ काले हो गए ने, उन्होंने कट के होंठां दे लाण, वह अरसा कोई 15-20 दिन महीना लाण, उन्हें की होगा कि हम चमकता। जे अगर तुम डॉक्टर दारिया भारिया फीसा तो बचना चाहते जी तो की सिर्फ 5-7 दाने रोज खाओ, सुबह 5-7 दाने शाम को खाओ, दुध च पाओ, मिल्क शेक बना के पी लो, चीनी पानी पानी इन्नी पानी ना पाओ। अगर तुम 2 हफ्ते तक मुसलसल करोगे इनू तो तुम आपे रिजल्ट मिलेगा। किसी डॉक्टर को जाने की जरूरत नहीं रहेगी। फर्ज किया ब्लड प्रेशर का मसला, पाइया सुबह खा लो, पाइया शाम को खा लो, हर चीज़ की जात नहीं बुरी होती। पाइया सुबह खाओ, पाइया शाम को खाओ, एक महीना मुसलसल खाओ, ताकि ब्लड प्रेशर लोए हो जाए। ये मैं दावेदार कहना, गारंटी ना कहना, करके फिर दिल करता भी करो, दिल करता ना करो। मेरा तो काम है दसना। मेरे पुत्र ने कहा जो दिन ताली पी 75-76 साल तारी उम्र हो गई, जिन्हें तजर्बा ताली उम्र का वो सब दसो। हो सकता है एक बंदे का ही फायदा हो जाए, एक बंदा भी उम्र करके ठीक हो जाए। ये तो कुरान का फायदा है, इंसानियत की खिदमत। तुसी एक इंसान को कतल किया, पूरी इंसानियत को कतल कर दिता। तुसी एक इंसान बचा लिया, पूरी इंसानियत को बचा लिया। मैं तो यह सोच के कर लगा, अगर तुहाडा दिल करता है तो उन्नी ते अमल करो, नहीं दिल करता ना करो। आमला औरतें जिहड़ियां माइया जिहड़ियां बीबियां ने, मेरिया धीआं ने, उन्होंने हजारा मसायल ने। असी अज तो 30 साल पहले कभी प्रेशन होना नहीं सी देखिया, अज हर दूसरी औरत का प्रेशन होता। क्यों होता, उसकी वजह की कि असी नेचुरल चीज़ा छड़ दी दें, डॉक्टर पिछे लग गए, दवाइया खाई जा रहे, खाई जा रहे, खाई जा रहे, कुछ नहीं करना। जिमें भी चंगा लगे इस टबरी को खाओ, सवेरे पाइया खा लो, पाइया शाम को खा लो, खट्टा मिठा फा ले और बड़ा मज़ेदार फा ले। अगर नहीं खा सकते तो दुध पाओ, मिल्क शेक बना के पी लो, उवें नहीं खाना, दोवें चीज़ा नहीं पसंद, फिर उसका शरबत बना लो। क्योंकि मैं दो टाइम वास्ते ये ज़्यादा की उम्र जी ना साढ़े एरिए ज़्यादा महीना 15 दिन महीना मिलता, फिर नहीं मिलता। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बनावगा जिसे तुम्हें सेफ करने का तरीका भी समझा देगा, शरबत बना समझा देगा, वो शरबत पूरा खा पाओ। कम से कम एक शरबत एक बनाओगे तो बगैर कैमिकल तो बगैर किसी चीज़ तो वो 6 महीने तक मिलेगा। शर्त यह है कि जिमें मैं समझावगा उमें तुम्हें इस्तेमाल करना, उमें बनावना तो उमें इस्तेमाल करना। जिन्हें जिन्हें समझते एक जिसम के बच्च खजली खारिश वो खा पाइए, सवेरे खान पाइए, शाम खान, उन्हें पत्ते चोड़ लाइन शराबरी के
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਕਸੀਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਖਾਣੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਰੋਜ਼ੇ ਲਿਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਲੰਘ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਗਿਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਬਹ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਘੜਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ 2 ਘੜਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਚਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚਿਥਲ ਕੇ ਚਿਲਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਫਲ 60-70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, 100 ਰੁਪਏ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਸੁਬਹਾ ਖਾਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾ ਲੈਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ। ਇਹ ਦਹਿਮੀ ਤੋਂ ਦਹਿਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਦਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦੀ ਨੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਖਾਣ, ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸੁੱਧੇ ਖੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹਾਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ, ਖਲੋਸ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਮਲ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸੌਫੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਸਲਾਮ।